सो गाइस फाइनली फ्री फायर इंडिया ऑफिशियल ने मोको अवेकेंस की वीडियो पब्लिश कर दी है और उसी वीडियो में हमें मोको के अवेकेंस स्किल्स के बारे में पता चला है। और सरप्राइज करने वाली बात यह है कि गर्ना ने ये वीडियो हिंदी में पब्लिश किया है विथ इंग्लिश सबटाइटल्स। मैंने ये नहीं सोचा था कि वीडियो हिंदी में होगी, मैं सोचा था ये इंग्लिश में वीडियो होगी तो हिंदी रिव्यू करके आप सबको बताऊंगा। बट कोई बात नहीं, अगर ये वीडियो देखने के बाद भी आपको स्टोरी समझ में नहीं आई है या फिर मोको की अवेकेंड स्किल्स का पता नहीं चला है तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना। इससे आपको मोको के अवेकेंड स्किल्स और स्टोरी के साथ साथ बहुत कुछ जानने को मिलेगा। सो गाइज मैं हूं अमन और लेट्स स्टार्ट आउट टुडेज वीडियो विथ वीडियो टाइटल रिव्यू वीडियो ऑफ मोको अवेकेंस द अल्टीमेट बैटल। कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं हो गया? तो गाइस वीडियो स्टार्ट होता है एक सिस्टम को दिखाते हुए जिसमें सिस्टम हैक की वार्निंग आ रही थी। फिर कैमरा आता है हैटो के ऊपर, फिर हमें एंड्रियो का व्यू दिखाते हैं और स्टेफी पे कैमरा आते ही वो बोलती है वी नीड मोको। स्टेफी के इतना कहते ही मोको वहां पे टेलीपोर्ट होके आ जाती है और उसके आते ही एंड्रियो कहता है हैकर्स ने अटैक कर दिया है। फिर मोको हाथ में जो दो डिवाइस रखी रहती है वो सिस्टम पे लगाती है जो शायद कूलिंग डिवाइस है। फिर थोड़ा बहुत चेक करती है और कहती है ये इतना आसान नहीं है, शायद इसलिए क्योंकि वो जानती है कि विलन कौन है। फिर वो विलन की फोटो को साइड में रखते हुए लोकेशन ट्रैक करने में लग जाती है और वो कर भी पाती है। फिर वो कहती है कि हमें गेम कोड में जाना होगा और फिर वहाँ से सभी के सभी गेम कोड यानी जहाँ से सब चीज़ों को ऑपरेट किया जा रहा था वहाँ पे जाते हैं। और यहाँ पे हमें मोको की थोड़ी बहुत स्किल दिखाई जाती है जो कि लेज़र बीम को क्रॉस करते हुए एनिमी के पास पहुँचती है और उसे ख़त्म करती है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए यहाँ पे एंट्री होती है हमारे इस वीडियो के विलन की जो कि कहता है उसे पता नहीं, मैं उसका इंतज़ार कर रहा हूँ। अब यहाँ पे विलन की वॉइस को बहुत हद तक कंप्यूटर वॉइस की तरह बनाया गया है। उसके बाद सीन चेंज होता है और मोको की स्क्वाड फायरिंग करते हुए आगे बढ़ती है जहाँ पे एंड्रियो के हाथ में गैटलिंग गन है, स्टेफी के हाथ में शॉर्ट गन और यहाँ पे कटाना चला रहा है हमारे हैटो भाई। उसके बाद गाइस आप लोगों को नीचे कमेंट करके बताना है कि मोको कौन से गन यूज़ कर रही है। फिर फाइटिंग जगह पे एंट्री होती है विलन की और वो दो चार बुलेट फायर करता है जिसमें से एक बुलेट मोको को हिट कर जाती है। फिर उसे एक ग्लूअल का कवर दिया जाता है और यहाँ पे थोड़ी बहुत गरीना के द्वारा बिजनेस से भी देखी जा सकती है। फिर अचानक से मोको अवेकेंड हो जाती है बुलेट लगने के बाद भी कुछ भी कोई बात नहीं, सब ऐसे ही अवेकेंड होते होंगे। फिर हमें दिखाया जाता है कि मोको अवेकेंड होने के बाद सभी छिटपुट एनिमीज से फाइट लेते हुए विलन का पीछा करते हुए एक इल्यूजन में पहुंच जाती है। और यहाँ पे है हमारा इस स्टोरी का क्लाइमेक्स सीन जहाँ पे मोको उस विलन पे फायर करती है जिससे कि वो एक टैग आता है। 5 सेकंड तक उसके मिसफायर की वजह से बुलेट नहीं लगती है एनिमीज को, तो वो विलन कहता है कि मोको तुम्हारे 5 सेकंड खत्म हुए। तब मोको कहती है अब टाइम बढ़ गया है, इनफ टू फिनिश यू। और फिर हमें यहाँ पे पता चलता है मोको के अवेकेंड स्किल का कि अब वो 6.5 सेकंड तक एनिमी टैग कर पाएगी। व्हाट, मतलब इतना सब कुछ हुआ केवल 1.5 सेकंड के लिए? सो गाइस वीडियो फिर भी बहुत ज़्यादा ओपी था फ्री फायर वालों की तरफ से, बट कुछ इसमें और ऐड करना चाहिए था अवेकेंड स्किल्स में एज कम्पेयर टू अदर अवेकेंड स्किल्स। सो गाइस वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, फ्रेंड के साथ शेयर करना और मोको के अवेकेंड स्किल्स पे अपने विचार जरूर व्यक्त करना। सो गाइस मैं मिलता हूँ आपसे एक और फ्रेश न्यू वीडियो में, तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग, कीप स्माइलिंग, टेक केयर एंड लव यू ऑल गाइस।